अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, केक सबको अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सबको ही पसंद आता है। स्पेशली अगर आपके घर में कोई बर्थडे हो तो केक के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको कोई ऐसी रेसिपी बनाना सिखाएं जो कि मज़ेदार भी हो और आपकी जेब पे भारी भी ना पड़े। तो मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम है समर, वो बहुत मज़े का केक बनाती हैं और कम बजट में। उनसे मेरी रिक्वेस्ट की कि मेरे व्यूवर्स के लिए भी एक केक बनाएं ताकि आप लोग इस रेसिपी को सीखें और घर में बनाएं और फ़ायदा उठाएं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अस्मा और अस्मा के व्यूअर्स के लिए बनाएंगे चॉकलेट फज केक, जिसकी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे नटेला और कॉफ़ी केक आज हम रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा केक मिक्सचर, 3 अदद अंडे, 285 ml पानी, 85 ग्राम या 110 ml हमें वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम, आइसिंग शुगर, कॉफ़ी नटेला फ्लेवर के लिए हमें चाहिए होगा। रखने के लिए बाउल, केक पैन, हीटर, ओवन, जिसका टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करके हम अपना बैटर तैयार करेंगे। जी व्यूअर्स, ये हम लोगों ने पैट्री कुकर कंपनी का चॉकलेट फज फ्लेवर हम लोगों ने लिया है। इसमें और भी फ्लेवर्स अवेलेबल है, वनीला, रेड वेलवेट, चॉकलेट फ्लेवर, ये जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। हम लोगों ने चॉकलेट फज लिया है। ये देखिए, अब हमने 3 अंडे, 1 मग पानी और ऑयल लिया है मग में, जो मैंने आपसे क्वान्टिटी शेयर किया, और ये हमारा बीटर और अंडे। अंडे हम लोग प्लेट में एक एक करके बाउल में डाल देंगे। ये 3 हमने अंडे डाल दिए बाउल में, और ये ऑयल अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर, अब इसमें हम पानी डालेंगे और अब केक मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे बीट करेंगे। हम लोगों ने पैन, केक पैन जो हैं इनको ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और बैटर डालते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि पैन जो है वो हाफ़ से ज़्यादा बैटर से भरें, फुल नहीं भरना जी। अब इसी तरह हम कप केक पैन जो है उसको भी हम लोग भर लेंगे, लेकिन हमने फुल नहीं इसको भरना बैटर के साथ। अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। 40 to 45 मिनट्स के लिए इनको बेक होने के लिए रख देना है। इसके बाद हमने इसको छुरी से चेक करना है कि बैटर लग तो नहीं रहा नाइफ़ पे हमारा, इसका मतलब है हमारे जो कपकेक हैं वो रेडी हैं। अब हम सारे कपकेक एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बैटर नहीं लग रहा, इसका मतलब हमारे कपकेक रेडी हैं। अब हम अपने कपकेक जो हैं वो निकाल लेते हैं। अब हम अपने केक चेक करेंगे। ध्यान रखना है कि नाइफ़ पे अगर बैटर लगे तो इसका मतलब अभी इसमें इसको थोड़ा और टाइम हम देंगे। ये देखें, अभी इनको थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी हम इसको 5 मिनट तक देखेंगे दोबारा। अब देखिए व्यूअर्स, नाइफ़ देखिएगा आप, बिल्कुल साबुत है, इस पर बैटर नहीं लगा, इसका मतलब हमारा केक रेडी है। केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अब फ्रॉस्टिंग के लिए हम क्रीम लेंगे। ऑल पर्पस क्रीम हमने लिया है, एक बाउल में हम इसे डाल लेंगे क्रीम को। अब हम इसे बीट करेंगे 2 मिनट तक। फिर हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे, मैंने 2 चम्मच डाले हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह बीट करने के बाद हम इसमें नटेला ऐड करेंगे। नटेला मैंने 1 स्पून मिक्स किया है। अब हम इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह। हमारी नटेला फ्रॉस्टिंग रेडी है। हमने कॉफ़ी फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए 1 साचे नेस्कैफे जो है उसमें डाला, वो रेडी हो जाएगी। अब अपनी दोनों फ्रॉस्टिंग हम फ्रीज़र में रख देंगे कुछ देर के लिए। हमारे केक ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में हम लोगों ने तब डालना है जब ये पैन्स हमारे ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अगर गर्म हम निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गर्म अगर हम निकालें तो ये टूट जाते हैं केक। तो हम जब पैन ठंडा हो तब हमने अपने केक निकाल लें, और जब केक बिल्कुल ठंडे हो जाएं फिर हम लोगों ने इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग करनी होती है। ये भी हम लोग अपना केक निकाल रहे हैं, दूसरा केक। ये देखें,
ये ठंडा हो गया इसलिए हम लोगों ने ऐसे निकाला, और हमने बटर पेपर यूज़ नहीं किया। ये हमने फ्रॉस्टिंग कर दी इस पर कॉफ़ी की। ये हमारा रेडी। और जी व्यूअर्स, ये हमारा नटेला केक, इसमें हम टॉपिंग करेंगे चॉकलेट की, कुकिंग चॉकलेट हो या कोई भी चॉकलेट, इस पर हमने टॉपिंग कर दी है। व्यूअर्स ये देखिए ये फाइनल लुक, और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू।